अस्सलाम वालेकुम डेली न्याज चैनल के साथ मैं खुश रोबोट छोड़ी। आज की वीडियो उन प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए और हाँ उनके लिए भी है जो पेट से प्यार करते हैं, पेट्स के बड़े शौकीन है। इस पर मैं मौजूद हूँ शेर कायद के इलाके बादरा बाद में। आज मैं मुलाकात करा जा रही हूँ एक ऐसे नौजवान है जिसने अपने घर को एक चिड़िया घर ही बना दिया। कौन कौन से पेट्स मौजूद है, कितना वो जुनून रखते हैं, तो जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुबशिर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ये जुनून कब से है आपको एनिमल्स पेट्स पालने का? देखिए बचपन से होता है इस फील्ड में, जिसको भी शौक होता है। और मेरा भी सेम यही सीन था, क्योंकि पहले घर में भी जब मैं छोटा था तो उस वक्त पापा पालते थे, दादा को भी बहुत शौक था। तो वो परिंदे कभी पालें, कभी कोई चीज़ ले आए, कभी कोई बत्तखें, कभी कोई मुर्गियाँ इस तरह लेके आते रहते थे, तो मुझे बहुत शौक था। तो वो शौक पर चलता चलता गया, उसके साथ फिर हमने ये घर में एक ज़ू बना दिया छोटा सा अपना। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से आइटम रखे हुए हैं अभी, तो ये सब आपके सामने है। कितनी आपको मालूमात है इन एनिमल्स के बारे में, या फिर इनकी फीडिंग के बारे में, फिर इनके बड़े होने के बारे में, उम्र के बारे में, दवाइयों के बारे में, कितनी मालूमात? देखिए जब भी मैं कोई बर्ड या एनिमल परचेज करता हूँ, सबसे पहले उसकी मालूमात करता हूँ कि वो खाता क्या है, रखा किस जगह पे, रख सकते हैं उसको, और इसके अलावा क्या तरीका होता है उसको ट्रीट करने का, क्योंकि हर जानवर का अलग हिसाब किताब होता है, उसको संभालने का, उसको हाथ में लेने का, उसको प्यार करने का। तो ये सब पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद पे शौक करना पड़ता है। अच्छा, और ये हमारे पीछे जो चीख रहे हैं, ये नायाब नस्ल आप देख सकते हैं कराची में, इन्होंने मैंने कहीं नहीं देखा, ये मंकी जिसको कह सकते हैं, मंकी कह सकते हैं, थोड़ा छोटा सा मुंह है, तो मैं ये जानूंगी कि क्या चीज है, मंकी है ये? देखें इसको मंकी ना बोलें आप, क्योंकि बहुत छोटा सा है ये। मंकी तो आपने बहुत बड़े देखे होंगे। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेड ब्रीड है, इसका जो नाम है वो मार्मोसेट मंकी है। अच्छा। और फुल नेम जो है वो ब्लैक टफ्टेड मार्मोसेट मंकी है, और प्रॉपर टेम्ड है ये, हाथ पे भी आता है, और बहुत नखरे हैं इनके भी। अच्छा। जैसे और जानवरों के होते हैं। तो खाने में भी ये सुबह जो है बिस्किट, उबला हुआ अंडा, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, तो बहुत नखरे हैं इनके। पहले वो देखने पड़ते हैं, उसके बाद फिर हमें शौक करना पड़ता है। ब्रीड छोटी सी होती है और छोटी रहती है ये? इसका फुल साइज यही है। अच्छा। और अभी तकरीबन ये 3 साल का हो गया है। इसका मैक्सिमम साइज जो आप देख सकती हैं कि आपके सामने कौन कौन सी ब्रीड्स हैं आपके पास, मैंने अभी देखी है छोटे छोटे वेलवेट माउस हैं और छोटे छोटे रैबिट्स भी हैं, तो ये बताएं। देखें अभी जो आप देख रही हैं उसमें हैमस्टर है, नॉर्मली आप देखते हैं लोगों के घरों में ये होते नहीं है। आजकल लोगों को बहुत रुझान है हर चीज का इंटरनेट की वजह से। हमने खरगोश की तो कहानी सुनी है, लेकिन यहाँ पे माउस रखे गए हैं, जो माउस से बड़ा डर लगता है और कोई भी एक काला सा चूहा देख लेते, चूहा चूहा चो उसको मारने की होती है, तो यहाँ इनके पास माउस है, आपको डर नहीं लगता है माउस? नहीं, देखें ये एक तो होता है लोकल माउस, बाइट भी करता है, भागता भी है, वो भी करता है। ये आप देख रही कितने क्यूट माउस है ये, और इम्पोर्टेड है ये भी, प्रॉपर वैक्सीन होके आए होते पाकिस्तान। और आपने देखा होगा मूवीज में एक व्हील लगा हुआ होता है जिसमें हैमस्टर भाग रहा होता है, चूहा भाग रहा होता है, ये बेसिकली वो माउस है। काफी फ्रेंडली होते हैं, इसको आप पॉकेट में रख के घूम सकते हैं, हाथ में लेके घूम सकते हैं अपने। और ये है कि लोगों को चाहिए होती नई चीज, अब लोग थक गए हैं कि चूजा पाल लें, बत्तख पाल लें, छोटे तोते पाल लें, अब लोग बोलते हैं कि नई चीज लेके आओ जो हमें नई देखने को मिले और उसका हम शौक भी कर सकें। तो आपके और कौन कौन सी ब्रीड्स आपके पास? देखिए अभी जो आप देख रही हैं उसमें मार्मोसेट मंकी आप देख रही हैं, हैमस्टर्स देख रही हैं, और अभी आप एक और चीज़ देखेंगे जिसमें हमारे पास एक इम्पोर्टेड ब्रीड है अयाम सिमानी के नाम से, ब्लैक चिकन, जिसका आपने सुना होगा, जिसका गोश्त भी काला होता है और जिसमें हर चीज़ काला होता है उसमें, लेकिन अंडा उसे काला नहीं होता। अच्छा, तो अंडा भी दिखाएं हमें, अगर अगर अंडा दिया है, दीदी अंडा? जी जी, अंडा भी इसने दिया, मैं आपको अंडा भी दिखाता हूँ अभी उसका। पीछे देखें, अंडे में हमला हो रहा है, अयाम सुमानी का अंडा आ गया है और बड़े कोने में रखा हुआ था और अभी निकाल के लाया, तो ये अंडा है इनका। देखें अयाम सुमानी का लोगों ने बहुत देखा हुआ है कि इसका अंडा ब्लैक होता है, तो इंटरनेट पे काफी लोगों ने डाला अभी है, इसका अंडा ब्लैक नहीं होता, इसका गोश्त ब्लैक होता है और अंडा इसका नॉर्मल देसी कलर का होता है, जो आप देख सकते। तो ये देख सकते हैं ये जुनून है और ये मोहब्बत है, क्योंकि जिसको जिससे मोहब्बत हो जाए फिर उसको
टच करने का और मारने का दिल नहीं करता। आइए आपको दिखाते हैं जानवरों के मुख्तलिफ मनाज़िर। जी नाज़िन, ये है मुबशी का भोला भाला ऐसा चिड़ियाघर। और आपको कितने शौकीन है, आप कितने लवर्स है पेट्स के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेजबान सनोबो छोटी को इजाजत, देखते रहिए डेली नया।